हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से जैकपॉट। आज का दिन कैसा रहा? थर्सडे एक्सपायरी बहुत सारे लोगों के लिए आज परेशानी का दिन रहा होगा। एंड आज जैसे कि हम लोगों ने कल के दिन BTST आप लोगों को बोला था, याद होगा आप लोगों को, एंड 45,200 का कॉल ऑप्शन बोला था। गाइस सबसे पहले बोलूंगा, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना। रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ छोटा सा। एंड देखो, हम सबसे पहले आपको एल्गोरिदम पे ले चलते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पे ले चलते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें दिखाई देती है। 45,200 की कॉल ऑप्शन में एक बार मौका मिला था, हमने BTST बोला था आप सभी लोगों को लेकर जाने को, तकरीबन 135 पे बोला था एंड कल के दिन बोला था। और वो ऑप्शन देख लीजिए, 119 का तकरीबन 195, एक बार पूरा ट्रेड देने का पूरा मौका मिला और सिस्टम पर एल्गोरिदम पर प्रॉफिट जनरेट करने का भी मौका मिला और एग्जिट करने का भी मौका मिला है। दूसरी बार फिर से मौका मिला उसी ट्रेड में, तकरीबन देखिए 109 110 पर बॉटम में फिर से खरीदारी करनी थी एंड तकरीबन वापस से वही ऑप्शन तकरीबन 228 देखने को मिला है। मगर आज के दिन कोई जीरो टू हीरो देखने को ही नहीं मिला। एक्चुअली क्या हुआ कि मार्केट में कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पर भी देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मार्केट को रीड किया जाए तो बहुत सारा डेटा यहाँ पर एक ही चीज बता रहा है कि मार्केट आपको कंसोलिडेशन रेंज में रखना चाहता है। एल्गोरिदम अभी क्या बोलती है, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर एक सबसे पहली कंडीशन नंबर वन, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं तो देखो, सबसे पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंसिव मोड है जो कि आप लोगों को आगे जाने नहीं देगा। तकरीबन इस पॉइंट के करीब करीब यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पर भी एक सेलर बैठा था। दूसरी बार एक बार पूरा मार्केट ऊपर गया बट टिक नहीं पाया, और तीसरी बार भी तकरीबन यहाँ पर भी कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। तो हमने फाइनली बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन जा नहीं पाएगा, मतलब 300 के ऊपर, 325 के ऊपर। यदि इस ट्रेंड के ऊपर मार्केट जाने में कामयाबी मिलती है, 400 को ब्रेक करता है, तो ही मैं आप लोगों को कॉल ऑप्शन और अगले दिन के लिए BTST लेकर जाने की सलाह दूंगा। मतलब यदि खरीदारी करनी हो तो 45,400 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, जिसके लिए आप लोग बाय कर सकते हैं मार्केट को, एंड तभी बाय कर सकते हैं ना। 400 के ऊपर ही बाय करने की सलाह दूंगा। कुछ इस प्रकार का मार्केट बने तो देखो, बाइंग का सिग्नल ऑलरेडी कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा है, सिस्टम में बोल रहा है कि मार्केट है, यहाँ पर क्लोजिंग लेवल पर मार्केट बाइंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बट नीचे सेलिंग जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। एंड यदि 400 ना आए तो मैं आपको खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि 400 पे आके क्लोजिंग देता है, 10 मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकता है और कुछ इस प्रकार का कैंडल बनाता है, देखो 15 मिनट की कैंडल पर जाकर रुकता है, तो इस प्रकार की कैंडल के बाद एक स्विंग मिल सकता है जो इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हो। नहीं तो यहाँ पर एक पूरा साइडवेजिंग मैटर बना रहेगा, मार्केट पूरा बना रहेगा और आपको परेशान ही करेगा। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दो ट्रेड बता रहा हूँ आपको, एक तो बाइंग का ट्रेड हो गया, एक दूसरा सेलिंग का ट्रेड जनरेट हो सकता है जो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर रिवर्सिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है मार्केट में। एंड ये जो मार्केट का जो पैटर्न होता है, कई बार सेलिंग लेकर भी आता है, और मैंने आप लोगों को कहा था इस पैटर्न के ऊपर ही यदि मार्केट में, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंडीशनल नंबर वन लेफ्ट शोल्डर, इसके बाद एक मार्केट में गिरावट और ये हेड, और तकरीबन फिर से एक गिरावट थी एंड सपोर्ट था, मैंने कहा था 45,000 का एक सपोर्ट रहेगा। राइट शोल्डर ऑलमोस्ट बन चुका है मार्केट में, एक सेलिंग के लिए हम तैयारी दे रहा है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, तकरीबन टेक्निकल पैटर्न, सॉरी टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि सेलिंग यहाँ से जनरेट हो सकती है। या तो मार्केट 18,350 और 300 से लगता है तकरीबन सेलिंग दे सकता है एक बार, जो कि बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, जो कि बड़ा सेल ऑफ आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि 45,000 साइडवेज के नीचे स्टार्ट होगा, जो कि 45,000 के नीचे यदि मार्केट सेल ऑफ देता है तो 45,000 के नीचे बिक वाली की सलाह होगी मार्केट में। कहीं पर भी आप सेल ऑफ करेंगे ना, बाय भी करेंगे तो आप परेशानी होंगे मार्केट में, क्योंकि बाय ऑन द डिप का मार्केट है, बहुत छोटी सी सेलिंग आती है और बहुत बड़ी बाइंग आ जाती है अचानक से। तो 45,000 के नीचे यदि एक सेल ऑफ का एक सेलिंग का सिग्नल मिल सकता है, जिसमें आपको 44,800 तक की जो मार्किंग है, ये मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट फिल करता हुआ नजर आ सकता है, तो ये वाला आपको मार्केट देखने को मिल सकता है दो प्रकार का। फिर भी यदि बाइंग के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब 400 के ऊपर जाएगा तो मैं फिर से खरीदारी करने की सलाह दूंगा। कंडीशन बात करते हैं निफ्टी के लिए, यदि गाइस आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी फुल्ली ओवरबॉटेड एरिया में चल रही है, ऐसा लग रहा है चांद तारी छूने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 500 का लेवल आ चुका है आपके सामने चल रहा है, तकरीबन 488 का लेवल, 590 का लेवल तकरीबन चल रहा है, एंड इस लेवल के करीब करीब भी यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही है डेली चार्ट पर भी, फिर
कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि यहाँ पर सेल ऑफ ले लो, प्रॉफिट बुकिंग ले लो, कोई बड़ी सेलिंग आने वाली नहीं। यहाँ पर भी बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखो ऑलमोस्ट 92 हो चुका है, आवरली चार्ट पर भी तकरीबन यही दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली बाइंग ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं सेलिंग करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। एंड कॉल ऑप्शन यदि लेकर जा सकते थे तो बिल्कुल एक मौका था। यहाँ पर 500 के लेवल के ऊपर यदि कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाएगा। यदि यहाँ से जरा सा भी यू टर्न देखने को मिला मार्केट का तो आप लोगों को फॉल देखने को मिलेगा, इस तरीके का फॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में छोटा सा मुझे करेक्शन भी मिले तो यहाँ पर मैं खरीदारी कर लूंगा छोटी सी। एंड यदि इसके नीचे लाइन के नीचे मिलेगा तो मैं सेलिंग करने की कोशिश करूंगा। सीएनएक्स निफ्टी के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। मार्केट ऊपर गया, रुका और फिर ये हेड बना दिया और उसके बाद से पूरी तरीके से कंसोलिडेशन भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग जब तक नहीं आएगी, जब तक तेजी नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर भी सेलर नहीं बनता हुआ नजर नहीं आएगा, तो सेलिंग के लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर मार्केट को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, बट अभी नहीं खरीदारी करनी है। फिन निफ्टी में किसी भी प्रकार की खरीदारी की सलाह नहीं होगी, बट यहाँ पर ऊपर मिले तो बिकवाली के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ द राइस की स्ट्रेटेजी एक बार काम करती हुई नजर आ सकती है। यहाँ से यहाँ तक के लिए मतलब 20,400 के ऊपर खरीदारी करनी है, या तो फिर आप लोगों को 20,400 के ऊपर से यहाँ से 300 से आपको बिकवाली करनी चाहिए, जो कि 20,100 के लिए हो सकती है। मतलब गैप फिलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस। तो रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। एंड 0 to 0 ऑप्शन आज के दिन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने देने की कोशिश की थी, बट मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज ही रहा जिसके कारण मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रहा। तो आज के लिए सॉरी, धन्यवाद, है ना, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड 4,000 लाइक्स के टारगेट रखता हूँ, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो।